सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 10 बड़े वादे किए, जिसमें लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा, किसानों को एमएसपी और महिलाओं की 33% भागीदारी, जातीय जनगणना, फ्री डेटा, फ्री आटा समेत तमाम बड़े वादे किए हैं। जब अखिलेश सपा कार्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तब पार्टी कार्यालय में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। अखिलेश ने अपने इस घोषणा पत्र से प्रदेश के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। इसमें 2024 ही नहीं 2029 तक के चुनावों की बात कही गई है। अखिलेश ने कहा कि 2025 तक प्रदेश में जातीय जनगणना करा ली जाएगी, साथ ही 2029 तक सभी की भागीदारी और सामाजिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा, और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। घोषणा पत्र में किसानों से किए वादे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि और किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे, किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी, कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए भूमिहीन और किराएदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों जिनकी 2.5 एकड़ से कम भूमि है उनके लिए ₹5,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना, यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ₹10,000 करोड़ के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी। युवा और रोजगार पर फोकस, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर ₹450 की जाएगी और कार्य के दिन 150 किए जाएंगे। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा। सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। आटा डेटा का अधिकार, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा। इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला आटा प्लांट लगाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हर राशन कार्ड धारी परिवार को ₹500 का मोबाइल डेटा मुफ्त देंगे। आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर जरूरी सेवा, सूचना संचार व शिक्षा के लिए हर एक की जरूरत है, चाहे वो शहर हो या गांव। मुफ्त डेटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपिन में डिजिटल डिवाइस का अंतर नहीं रह जाएगा। गैर बराबरी मिटाने के समाजवादी मूल्यों की ओर समाजवादी पार्टी की सोच का ये एक प्रगतिशील कदम होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से दोगुना कर 6% किया जाएगा एवं गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा। स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाएगा। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून द्वारा गारंटी दी जाएगी। स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 3.5% तक लाया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों को न्यूनतम ब्याज दर पर शिक्षा लोन उपलब्ध कराएगी। डिजिटल डिवाइस को समाप्त करेंगे। अखिलेश यादव ने जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया, वैसे ही विपक्ष ने इसे धोखा करार दिया। अगर हम बात करें सपा से ही अलग हुए और योगी सरकार में मंत्री बने ओपी राजभर की, तो उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें जातीय जनगणना की याद नहीं आई और अब वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। फेस टू आए होंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको जातिवार जनगणना याद नहीं आया था। जब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गए हैं, उनको समझाए कि जातिवार जनगणना क्या होती है, तब वो जातिवार जनगणना बोलने लगे हैं। जब हम उनके साथ नहीं थे तब तमाम चीजें उनको याद नहीं थी। सत्ता में थे तो बहुजन समाज पार्टी ने जो गरीबों के उत्थान के लिए महापुरुषों के नाम से योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। वहीं ओपी राजभर के बाद योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अखिलेश के मैनिफेस्टो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने फ्री डेटा और फ्री आटा पर कहा कि ये जब वो 2012 से 2017 तक सीएम थे तब उन्हें ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आई। कि आज चाहे राशन की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, चाहे देश को डिजिटली पावरफुल करने की बात हो, चाहे किसानों को समृद्धि की तरफ आगे ले जाने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी मोदी सरकार खड़ी उतरी है। समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि आज ये तमाम जो वायदे, जो झूठे वायदे निभाने का वो जो दम भर रही है, वो उस दम का आखिर जो है बेस क्या है। उसके शासनकाल में 12 से 17 तक ये विजन क्यों नहीं दिखा। जो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने आज पेश किया, ये विजन उनको 2012 से 17 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं दिखा। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष इस घोषणा पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी पर हावी होती दिख रही है, जिसके बाद देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव इसका जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।